श्रावण मास के पहले दिन धारनाथ महादेव मंदिर सहित नगर के सभी शिवालयों में शिव भक्त भोलेनाथ की आराधना में लीन हो गए। शहर के शिवालयों में विद्युत सज्जा के साथ साथ भगवान श्री भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। भोजकालीन अति प्राचीन श्री धारेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी कतार लग गई। सावन मास में धारेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भूत भावन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। मंदिर पर आकर्षक साज सज्जा की गई है। यहां प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ का लघु रूद्र महाभिषेक होगा। धारेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी अविनाश दुबे के अनुसार पूरे श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का प्रति सोमवार को विशेष मनमोहक श्रृंगार किया जाएगा। ब्राह्मणों द्वारा यहां विशेष पूजा अर्चना भी होगी। इस वर्ष अधिक मास होने से श्रावण मास का महत्व बढ़ जाता है तथा बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना अधिक मास में करने से उसका फल भी अधिक मिलता है। धार के अधिष्ठाता भगवान धारनाथ महादेव मंदिर के अलावा शहर के अन्य शिवालयों में भी शिव भक्तों द्वारा मंदिर में साज सज्जा के साथ साथ विद्युत सज्जा की गई है। इन शिव मंदिरों में भी दो मास तक प्रतिदिन विशेषकर प्रति सोमवार को बाबा भोलेनाथ का विशेष आकर्षक श्रृंगार के साथ साथ विशेष पूजा अर्चना भी होगी। धार से साबिर खान की रिपोर्ट। आज से पूर्णिमा शुरू हो गई है, सावन मास शुरू हो गया है, तो धारेश्वर में क्या आयोजन रखे हैं? धारेश्वर में नित्य जो है पंचामृत पूजन होगा सुबह, उसके बाद महाआरती, उसके बाद फिर 11 ब्राह्मणों के द्वारा लघु रुद्र होता है और प्रसादी वितरण होता है लच्छेदार का भगवान को, और उसके बाद साथ जो है शाम को श्रृंगार होता है भगवान का, भस्म श्रृंगार के नाम से कहते हैं उसको, और रात्रि में भजन होते हैं, और उसके बाद 11:30 बजे भगवान विश्राम के लिए शयन के लिए जाते हैं। अच्छा, ये श्रावण मास में दो हैं इस बार श्रावण, तो क्या दोनों माह में आपके यहाँ कोई कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे धारेश्वर में? श्रावण के पहले सोमवार, पहले श्रावण में तो जो है ये मेन श्रावण है, इसमें तो सोमवार को जो है जो धार्मिक पूजन पाठ और अनुष्ठान जो होते हैं वो तो सभी लोगों के धर्म भक्तों के चलते रहते हैं, और दूसरा जो श्रावण होता है जो आएगा अभी उसमें वो अधिक मास है, तो अधिक से अधिकम फलम, अधिक में जो अधिक मास का जो पूजन करते हैं उसमें और अधिक फल प्राप्त होता है। आपका नाम बता दीजिए। पंडित अविनाश दुबे, धारेश्वर मंदिर धार, पुजारी धारेश्वर मंदिर धार। जय बाबा। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।